दीजिए अपने सपनों को पहचान मिनर्वा स्टडी सर्कल घुमारवी के साथ जेई नीट ड्रॉपर बैच में। अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 9459175916। जिला कुल्लू के मुख्यालय में ढालपुर मैदान रहा अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए विश्व भर में जाना जाता है, तो वहीं ढालपुर मैदान में हो रहे अतिक्रमण से अब वो सिकुड़ता जा रहा है। ऐसे में अब भगवान रघुनाथ के छड़ी वरदान ने भी ढालपुर मैदान में हो रहे अतिक्रमण पर अपनी चिंता व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, तो वहीं अब ढालपुर मैदान में भी दशहरा उत्सव की रूपरेखा तय की जा रही है। ढालपुर मैदान में हो रहे अतिक्रमण पर भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार एवं पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने चिंता व्यक्त की है। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि मैदान के किनारों पर जो भी व्यक्ति अगर अतिक्रमण करता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ढालपुर मैदान का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रथ मैदान में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान होने वाले रथ यात्रा को लेकर भी जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ चर्चा की। वहीं कला केंद्र व उसके साथ लगते इलाके में मैदान के सिकुड़ने के कारणों पर भी चर्चा की गई है। पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि ढालपुर मैदान में पहले सर्कुलर रोड बनाया गया और वहां से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई, जिस कारण देवी देवताओं के बैठने की जगह भी प्रभावित हुई है। अब मैदान के किनारों पर भी कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में ढालपुर मैदान को नुकसान होगा। मैं कहता हूं कि जब भी कोई काम करते हैं निश्चित रूप से उसमें सुधार की आवश्यकता रह जाती है जी। जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता है तो नया नया विचार मन में आता है। जैसे पहले शुद्ध रूप से यहाँ देवता ही बैठते थे, फिर जिलाधीश महोदय के ध्यान में आया कि एक सर्कुलर रोड बनाना चाहिए ताकि ट्रैफिक जाम से निजात मिल सके, तो फिर उस सर्कुलर रोड की इधर से शुरुआत हुई थी। दुर्भाग्यवश जहाँ सरकारी जगह थी वहाँ तो सड़क बन गई, और जहाँ देवताओं का स्थान था जैसे वीरनाथ ढालपुर वाला का स्थान है, आप उस जगह को देखेंगे उस ग्राउंड का हिस्सा काट कर वो सड़क बनी थी। पर यहाँ कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स की कॉलोनी है, कुछ हमारे ही परिवार के जो ज़्यादा शांगरी है उनकी बेची हुई ज़मीनें हैं, वहाँ कुछ अड़चने हैं। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है दशहरे से पहले उन अड़चनों का निराकरण करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो ये अधूरा सर्कुलर रोड रहा है ये आने वाले दशहरे में अगले साल तक ये सड़क पूरी हो जाए, क्योंकि देवताओं को बैठने के लिए स्थान और भी चाहिए। और मैंने कल दशहरा कमेटी की मीटिंग में भी ये बात कही थी मुख्यमंत्री जी के ध्यान में और सबके ध्यान में लाई कि ये हमारा ये जो मैदान है ये काम धेनु है, ये अपना खर्च अपने आप निकालती है। दशहरों के देवते का नजराना 100% उस पैसे से जाता है जो यहाँ से कलेक्ट होता है, तो इसीलिए इस बार पैसे का अभाव हो रहा है, क्योंकि दुकानें नहीं लगेंगी, व्यापार नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, तो फिर आर्थिक संकट की बात आई है। तो मैंने एक बात कही थी कि अभी तो ये काम धेनु है, लेकिन जिस तरीके से सरकारी और गैर सरकारी एनक्रोचमेंट हो रही है, जोर देकर कहूँगा मैं सरकारी और गैर सरकारी, ये सब खत्म होनी चाहिए। जो इस ग्राउंड को किसी को भी आय का स्रोत बनाने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो सरकारी दफ्तर है चाहे वो प्राइवेट है। दशहरा चलता तो इस मैदान की बदौलत, अगर वहाँ कोई परमानेंट स्ट्रक्चर भी बना है तो वो पैसा दशहरा कमेटी के फंड में जमा होना चाहिए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।